हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है इख्तियार शेट्टी और नोकिया ने रिसेंटली अपने दो ऑडियो डिवाइस को लॉन्च किया है। पहला है नोकिया के हेडसेट्स जो है T2000, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, और दूसरा है नोकिया T3110 जो बेसिकली TWS ईयरबड्स है। तो आइए बात करते हैं इसी नोकिया TWS ईयरबड्स T3110 के बारे में, डिस्कस करेंगे इसी ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइसिंग और बहुत से डिटेल्स को कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फेम। तो ये नोकिया T3110 TWS ईयरबड्स आते हैं 12.5 mm बेस डायनामिक ड्राइवर्स के साथ। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जहाँ पे इन टोटल हमें 6 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं, 3 लेफ्ट ईयरबड्स में और 3 राइट ईयरबड्स में। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे आगे, बट स्पॉइलर अलर्ट, ये इस ईयरबड्स का मानो तो की हाईलाइट लगा मुझे। उसके अलावा ये आता है गेमिंग सेंट्रिक लो लेटेंसी के साथ, जो जहाँ पे बेसिकली क्वालकॉम के टेक्स भी अवेलेबल है जो इस लो लेटेंसी को फुलफिल करते हैं। ये है IPX7 वाटर रेजिस्टेंट, और यहाँ पे देखने को मिलता है हमें मल्टी फंक्शनलिटी बटन, और यहाँ पे देखने को मिलता है वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट। बैटरी प्लेबैक्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा करीब करीब 5.5 आवर्स का प्लेबैक ऑन सिंगल चार्ज, और करीब 27.5 आवर्स का प्लेबैक विद द केस। और ये जो प्लेबैक टाइमिंग है वो है नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करने के बाद। अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करोगे, जो आप करोगे, उसमें आपको मिलेगा करीब 4.5 आवर्स का प्लेबैक ऑन सिंगल चार्ज, और करीब 22.5 आवर्स का प्लेबैक विद द केस। तो ये कंप्लीट ओवरऑल प्लेबैक्स थे। उसके अलावा ये आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ, ये USB-C सपोर्ट करता है, और इसका वेट है 71 ग्राम्स का। अब तक अगर आपको स्पेक्स अच्छी लगी या फिर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। क्या हम इस वीडियो पर 5 लाख का टारगेट रख सकते हैं, प्लीज ऐड कर देना। तो ये नोकिया T3110 लॉन्च हुआ है 3,499 रुपीज़ में, और सैडली यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल है जो है ब्लैक। अब अगर हम बात करें इसी नोकिया TWS ईयरबड्स के बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आता है, और अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये किसी और ईयरबड्स या फिर एयरपॉड्स को रिजेंबल नहीं करता है। इसका एक अपना यूनिक सा डिज़ाइन है, लाइट वेट है और स्मॉल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। तो ये अच्छी बात लगी मुझे डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से, और इसके बिल्ड क्योंकि आ रहा है नोकिया की तरफ से, हम एक्सपेक्ट करेंगे इसका बिल्ड अच्छा हो, और इसके प्राइस वाइज इसका बिल्ड अच्छा लग रहा है। अब आते हैं इसी ईयरबड्स 3110 के की हाईलाइट के ऊपर, इसी हमने बात किया। इसका की हाईलाइट मुझे लगा इसका हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और इसका IPX7 वाटर रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हम ऑन भी कर सकते और ऑफ भी कर सकते। तो अगर आपको सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि हम इसे ऑन ऑफ कैसे करें, तो आपको सिंपली इस ईयरबड को, लेफ्ट ईयरबड को 2 बार टैप करना है, इससे आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। और यहाँ पे एक और हमें डाउट आ जाता है कि जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमें टोटल 6 माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, 3 ऑन ईच साइड्स। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कॉल रिसीव कर रहे हैं तो कहीं ये माइक्रोफोन इशू क्रिएट करेंगे। एक्चुअली इस ईयरबड्स का एक इंपॉर्टेंट या फिर एक अच्छा एस्पेक्ट मुझे ये लगा कि जैसे हम कोई कॉल रिसीव करेंगे वैसे ही ये ENC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर बंद हो जाएगा, तो आप अच्छे से कॉल एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो ये दोनों जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के डाउट्स थे, मुझे उम्मीद है कि आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी स्पेक्स भी मुझे अच्छे लगे, 12.5 mm बेस ड्राइवर्स अवेलेबल है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 अवेलेबल है, यहाँ पे लो लेटेंसी सपोर्ट अवेलेबल है जो है गेमिंग सेंट्रिक, तो भी एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे। टाइप सी अवेलेबल है, और जो बैटरी प्लेबैक टाइम है वो भी डिसेंट लगा मुझे। तो ओवरऑल ये एक अच्छा डील है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। अगर ये फॉर से 3000 के रेंज में आता तो बेटर होता और कंपीटिंग होता। अगर आप इस ईयरबड्स के डाउनसाइड मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट है या फिर ऑडियो जो कोडेक है उसमें हमें देखने को मिलता है सिंपल SBC, यहाँ पे कोई क्वालकॉम के टेक्स अवेलेबल नहीं है। बेशक क्वालकॉम का टेक अवेलेबल है लो लेटेंसी के लिए, बट जो मेन ऑडियो आउटपुट के लिए टेक्स अवेलेबल होते हैं जनरली इस प्राइस रेंज में, वो मिसिंग लगे मुझे। तो जो जेनरिक ऑडियो आउटपुट होता है वो तो अवेलेबल है ही, बट अगर इसमें और टेक्स अवेलेबल होते फॉर से क्वालकॉम का एप्टेक्स HD, तो और ऑडियो एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता। तो ये एक मिसिंग पार्ट है, बट फिर ये आता है नोकिया के ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे एक यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, कॉम्पैक्ट है, स्पेक्स भी अच्छे और कंपीटिंग है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा डील है, और आप इस रेंज में अगर आप देख रहे हो ईयरबड्स को तो अभी से कंसिडर कर सकते हो। बट इन ईयरबड्स के अलावा भी इसी रेंज में बहुत सारे अलग अलग ईयरबड्स अवेलेबल है, तो आप उनको भी चेक करना ना भूलना। और अगर आपको ऐसे ही TWS ईयरबड्स और ऑडियो डिवाइस के बारे में और जानना है और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है, तो जरूर से हमारे ऑडियो डिवाइस वाले प्लेस को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस अवेलेबल है। और तो और रिसेंटली नोकिया ने जो लॉन्च किए अपने हेडसेट्स T2000, उसके भी हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में, तो जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कराना बोलना। और यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। यहाँ पर हमने डिस्कस किया नोकिया TWS ईयरबड्स T3110। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना।
इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर, ऐसे ही लेटेस्ट टेक कंटेंट के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।